चूल्हा छोड़ जाएगा भी अच्छा लगेगा। पहले लकड़ी से बनाते थे, धुआं आता था, रोटी बनाते बनाते गुस्सा आ जाता था। गुस्सा आता था वाकई में? कभी बोलती थी पापा को कि मेरे को गैस चूल्हा लेकर दो? हाँ। फिर क्या बोलते थे ये? ये बोलते थे ले देंगे पैसे वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी बच्चे स्कूल चले जाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है गैस सिलेंडर, और हमारे लिए सेफ्टी भी है इसमें, ताकि हमारी सेहत खराब ना हो। और आपका बहुत बहुत लोगों ने हमें गैस सिलेंडर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको गैस सिलेंडर दिया है। लकड़ी जाते थे जंगल में भी, अब नहीं जानी पड़ेगी, अब अपना गैस पे कभी भी बना सकते हैं। रात में पति लोग आएंगे तो गरम गरम खाना बना के दे सकते हैं उसी टाइम पे। इससे हम लकड़ियाँ चुनने के लिए जंगल में जाते थे ना, तो उधर इतने बड़े बड़े सांप होते थे, उससे जान छुड़ गई। जान छोड़ गई। अब तो क्या बनाकर खाएगी इसमें? इसमें रोटी बना के खाएंगे। जब से यहाँ इतनी खुशियाँ लोटी हैं, जो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सबकी झोलियाँ भर दी हैं, इतने सब कुछ जो भी हमारी कमियाँ थी पूरी कर रहे हैं हमारे भाई। इनके आने से तो हमें बहुत ही होली दिवाली की खुशी हो गई। आप खुद अपनी मदद करो, है ना? हाँ, हम पढ़ने कुछ बनना चाहते। शाबाश। बनने के लिए कोई रोक रहा है आपको? नहीं, मम्मी पापा भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई में हम भी हेल्प कर देंगे। आप क्या बनना चाहते बड़े होकर? पुलिस में जाना चाहते हो? शाबाश। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हम बहुत खुश हैं। वी एज ए ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी प्राउड टुडे, बिकॉज आज जो हम करने वाले हैं, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग सिलेंडर्स ऑफ दिस होल कैंप। सारे कैंप का आज हम जो ये गैस चूल्हे का डिस्ट्रीब्यूशन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम देने वाले हैं। कुछ परिवार यहाँ अभी पंजाब गए हुए हैं, कोई रुई चुगने के लिए, कोई खेतों में काम करने के लिए, तो वो जो परिवार आएंगे विल गिव देम चूल्हा सिलेंडर एंड दिस टेबल, वी हैव गॉट फंड फॉर दैट। तो द कैंपेन, द चूल्हा एंड सिलेंडर वाला जो कैंपेन था इस पर्टिकुलर कैंप के लिए इज कम्प्लीट, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आज का जो ये जो चूल्हे हैं, 40 चूल्हा सिलेंडर एंड 40 गैस चूल्हा हैव बीन डोनेटेड बाय मिस्टर रोमेश शर्मा जी फ्रॉम USA। थैंक यू वेरी मच सर, बिकॉज आपने इतना बड़ा नंबर दिया, हमारे पास वो नंबर रह रहा था पूरा करने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन। जो टेबल है, टेबल का कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन गिवन बाई सीमा जी फ्रॉम USA। कुछ रिमेनिंग अमाउंट रह रहा था एंड दैट हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय माय फादर श्री मोहनलाल पंडिता जी। वी स्टिल हैव गॉट फंड्स फॉर 4-5 चूल्हों के लिए एक्स्ट्रा, एंड वी हैव गॉट रिक्वेस्ट फॉर दोस्त, वो आप कमिंग वीडियोस में देखोगे हम किनको देने वाले हैं, वो भी बड़े स्पेशल लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहें एंड प्लीज कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू HSF, बिकॉज ऑफ दैट हम ऐसे परिवार जो ये पाकिस्तान से जो ये हिंदू परिवार आए हुए हैं भारत में इस उम्मीद में कि इंडिया आकर इनको एक जिंदगी अच्छी मिलेगी और इनकी क्लीन कुकिंग इनको देने के लिए, इनको चूल्हे से, उस लकड़ी वाले चूल्हे से, पोल्यूशन वाले चूल्हे से निजात दिलाने के लिए, ताकि इनके बच्चों का जो ये ब्रेकफास्ट है और जो मील्स ये बनाते हैं वो ये लोग गैस सिलेंडर्स पर दे सके, इसके लिए हमने ये कैंपेन शुरू करा था। और हमने ये बोला था कि हम इस कैंपेन को दिवाली से पहले पूरा करेंगे, एंड अभी भी दिवाली में बहुत दिन है, हमने ये कैंपेन पूरा करा है। तो आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू HSF, एवरी वन हु हैज सपोर्टेड अस, ऑल द पीपल हु हैव ज्वाइंड अस, एंड वी हैव रिसेंटली दोस्तों अचीव्ड ए वेरी गुड माइलस्टोन ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स on YouTube and on 15,000 subscribers on Instagram. So thank you very much family, because of you we are able to make this cohesive, closely bonded society of Hindus all over the world. हमारा ये संगठन का उद्देश्य इसीलिए यही है कि हम 110 करोड़ हिंदुओं का एक मजबूत संगठन बनाएं, ताकि कोई भी हिंदू, कोई भी असहाय परिवार जिसको मदद की ज़रूरत हो, जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, वो अगर हमें अप्रोच करे तो हम उसकी मदद के लिए हमेशा ऑल टाइम रेडी रहे। तो इफ़ यू आर समबडी हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज हिंदूज एंड यू आर रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस इज अ संगठन, दिस इज अ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज, एंड वी डू नॉट आइडेंटिफाई हिंदूज बाय कास्ट। फॉर अस हिंदूज आर सिक्स
Jains, Buddhists and all Hindus. We do not identify Hindus by caste and our organization is a non-political organization. We have nothing to do with politics. If you have any political inclination, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप खुद को हिंदू identify करते हैं तो you belong to HSF and HSF belongs to you. So let us start the distribution now और हम सब लोगों से बात करते हैं और आपको इनसे सुनाते हैं कि क्या इनका फीडबैक क्या है. दोस्तों आइए सबसे बात करते हैं. बहन जी आपका क्या नाम है? मीरा. मीरा थोड़ा जोर से बोलो. मीरा. मीरा अच्छा, जिसने ये दिया है और ये टेबल दी है तो उनको क्या बोलना चाहोगे? इधर की तरफ देखकर बात करो. धन्यवाद कहना चाहते हैं, किसी ने हमारे लिए अच्छा किया जो गैस सिलेंडर दे दिया. आपको अच्छा लग रहा है? पाकिस्तान से आप आए थे चले थे तब आपको लग रहा था कि भारत के हिंदू या विश्व के हिंदू मिलकर आप लोगों की मदद करेंगे? लगा था उम्मीद थी आपको? अभी वो उम्मीद पूरी हो रही है. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. मजा आ रहा है? दोस्तों शी लाइकिंग इट. नानक जी, नानक जी से पूछते हैं. नानक जी जिसने दिया उनके लिए क्या बोलोगे? धन्यवाद उसको कह रहे हैं हम. बहुत अच्छा लगा हमको, वहाँ जो दिक्कत थी वो दिक्कत हट गई वहाँ से. दोस्तों नानक जी को वैसे ही हम लोगों ने बहुत प्यार किया है, आप सबने बहुत प्यार किया है. नानक जी को हर चीज मिलती जा रही. नानक जी मजे में है अभी. नानक जी वो क्या बोलोगे भारत के हिंदुओं के लिए, क्या बोलोगे? धन्यवाद सबको देंगे, जो दे रहा है उसको भी धन्यवाद, जो सप्लाई कर रहा है उसको भी धन्यवाद. सप्लाई हम कर रहे हैं, दे आप रहे हो, आपको भी धन्यवाद. दोस्तों ये है इनकी वीडियो, आपने देखी है. जीतराम जी है, उनकी बेटी है. पहले बिटिया से पूछते हैं, बिटिया तेरा क्या नाम है? गीता. गीता बोल, जिसने दिया है क्या बोलोगे उनको? धन्यवाद कोटी कोटी सबको जो वीडियो देख रहे हैं. जो वीडियो देख रहे हैं. अच्छा तेरे को क्या फायदा आएगा इससे? चूल्हे से क्या चूल्हा छूट जाएगा? अब मजा आएगा? चूल्हा छूट जाएगा भी अच्छा लगेगा. पहले लकड़ी से बनाते थे, धुआं आता था, रोटी बनाते बनाते गुस्सा आ जाता था. गुस्सा आता था वाकई में? कभी बोलती थी पापा को कि मेरे को गैस चूल्हा लेकर दो? हाँ. फिर क्या बोलते थे? ये बोलते थे ले देंगे पैसे आने दो. अच्छा ले देंगे. और जीतराम जी आप बताओ जिन्होंने दिया क्या बोलोगे सबको? हम तो सब जितने भारतीय हिंदू हैं, संगठन है, जितने भी हमारे लिए सहायता कर रहे हैं सबको धन्यवाद कहना चाहते है. ये गैस सिलेंडर देने से हमारे वातावरण में जो बदलाव आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, हमारा विकास हो रहा है. इसलिए क्योंकि लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी से धुआं होता है, प्रदूषण होती थी, उससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, खुद पकाने वाले बीमार पड़ जाते हैं. गैस सिलेंडर से इतना फायदा होगा, हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे, हमको खाना बनाने में, हमारे बच्चों को या महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी. बहुत अच्छी बात बोली, क्लाइमेट चेंज की बात बोली इन्होंने. आरती बहन से पूछते हैं, आरती बहन क्या बोलोगे जिसने दिया है? जिसने दिया है उसका धन्यवाद, जो लेके दे रहा है उसका भी धन्यवाद. अच्छा. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लकड़ियाँ लेने के लिए भी दिक्कत थी. आरती बहन सबको बोलो कि हम जैसे काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ यहाँ पर, हमारे काम का फीडबैक दो, हम कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है. सहायता भी भैया आप कर रहे हो, हमें भी अच्छा लग रहा है. बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो रोटी बना के तो देंगे, कभी हम नहीं होते तो बच्चे ही बना लेते थे, इसलिए आपका धन्यवाद. थैंक यू बोल रहे हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन ये चीजें हो रही हैं. और इस भाई से पूछते हैं, भैया जिन्होंने दिया क्या बोलोगे? धन्यवाद उसकी का भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो ये हमारे लिए बच्चों के लिए जो ये बनाया है, बहुत बढ़िया. धन्यवाद जो जिसने दिया है उसी को भी, जो लेके दे रहा है वो उसी को. जय श्री राम. जय श्री राम. आप बोलो भैया क्या बोलोगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद उनका, हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी आप सपोर्ट करते रहें, आगे भी आप एम्बलेस करते रहें. बहुत बढ़िया हमें लगा, अच्छा लगा. दोस्तों मैं ऐड अप करूं, ये भाई शॉप चलाते हैं और ये भाई भी अपना काम करते हैं. यहाँ मेहनती लोग हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी सारी मेहनती है, तो सब अपना काम करते हैं, तो इनका विकास जो है बड़ा फटाफट होने वाला है. थोड़ा सा इनको हेल्प चाहिए, तो ये दोनों लड़के मेहनत करते हैं, तो ये मैं आपको ऐड अप कर रहा हूँ. अम्मा से पूछते हैं, मम्मा क्या बोलोगे सबको? तुम्हारा धन्यवाद तो इतना हमारे को दिया, उनका धन्यवाद जिन्होंने दिया. बस हमारे को संभाल लिया, गरीब आए पाकिस्तान से, हमारे को तुमने संभाल लिया. अच्छा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा हमारे को, बहुत अच्छा लग रहा. थैंक यू बोलो. बस राधे कृष्ण. राधे कृष्ण, अच्छी बात है. तो बता गुड़िया जिसने दिया क्या बोलोगे उसको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और जल्दी बच्चे स्कूल चले जाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है गैस सिलेंडर, और हमारे लिए सेफ्टी भी है इसमें, ताकि हमारी सेहत खराब ना हो,
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये लड़के ने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि बच्चे जो जहाँ स्कूल जाते हैं उनकी सुबह बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर इनको ब्रेकफास्ट बनाने में, अब ये फास्ट हो पाएगा। तो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। तो अभी हाँ आप बहन बोलो, क्या बोलना चाहोगे जिसने दिया है? भैया धन्यवाद आपको, ये सिलेंडर दिया, लकड़ी जलाने चूड़ने जाते थे इसलिए धन्यवाद आपको दिया हमको। दोस्तों आइए इस तरह पूछते हैं, इस तरह के दो बहनें ये बहुत दिनों से कह रही हमारा नंबर कब आएगा, आप बताओ बहन क्या बोलोगे? धन्यवाद जिसने भी गैस सिलेंडर दिया उनको धन्यवाद। पहले हम लकड़ियाँ जंगल में लेने जाते थे, जैसे ये सुविधा होगी इनको, भैया को धन्यवाद। लोगों को बताओ क्या प्रॉब्लम होती थी लकड़ियाँ चुनने में? लकड़ियाँ चुनने जाते थे, महिलाएं जाती थी, मर्द कमाने चले जाते थे, लेडीज को दिक्कत ज्यादा होती, सांप कीड़ा के लिए जाने पर नहीं जा सकती। जैसे गैस सिलेंडर आ गया, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आप बताओ। जिन लोगों ने हमें गैस सिलेंडर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको गैस सिलेंडर दिया है। लकड़ी जाते थे जंगल में भी, अब नहीं जानी पड़ेगी, अब अपना गैस पे कभी भी बना सकते हैं। रात में पति लोग आएंगे तो गरम गरम खाना बना के दे सकते हैं उसी टाइम पे। जिन्होंने दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये देख रहे हैं लेडीज के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये वाला खाना बनाना, और चूल्हे के लिए चूल्हे पर खाना बनाना तो ऑलरेडी टेंशन। इस भाई से पूछते हैं। जय धन्यवाद, जिस भाई ने सिलेंडर दिया उसको भी धन्यवाद भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों आओ इस बहन जी से पूछते हैं, बहन बताओ सबको जिसने दिया उसको क्या बोलोगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। उधर देखे बताओ, चाह करके मैं पी लेती हूँ, दूसरी बोली नहीं आती है इनको, हिंदी नहीं आती। आप बोलो जैसे बोलना वैसे बोलो। बस तुमने दिया राम का सुखर है, बस दूसरे पास जाओ। यहाँ पर इनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है। आप बहन बताओ क्या बोलना चाहोगे? धन्यवाद बादशाह नहीं आता, आप अपनी भाषा में बोलो, आपको सुनने वाले भी बहुत है। धन्यवाद हमारे को गैस दे दिया, धुएं से बच गया, लकड़ी से बच गए। अपनी अपनी भाषा में बोलो, बोलो अपनी भाषा में। बस बोल दिया। अम्मा आपको गैस चलाना आ जाएगा? कौन से कहेगा आपको? गैस चलाना आता है, रोटी भी बनानी आती है, और भी मैं बहुत मजबूर हूँ, अब मेरा तो कमाने वाला कोई नहीं। पहले उसको वो मत छोड़ो, सारी बात मत बोलो, जिसने ये दिया उसको पहले बात करो। मैं उसे जैसे बात कर रही हूँ, जो देगा उसको ही धन्यवाद, जो दे रहे हैं मदद कर रहे हैं उनको ही धन्यवाद। आशीर्वाद दो, आप बड़े हो वो आपसे छोटे, आशीर्वाद दो उनको। आशीर्वाद तो दे रही हूँ, मैं सबको आशीर्वाद दे रही हूँ। बोलो आप और तरक्की करो, और कैसे कमाओ? हमारी तरक्की करो, कोई हम भूखे पड़े हैं ऐसे जंगल में पड़े हैं, कोई हमारी मदद करो, कोई राशन दो, कोई कपड़ा दो, कोई पैसा दो, ऐसे रंजाल कहाँ जाएंगी, ऐसे लकड़ी चुगने तो नहीं जा रही। चूल्हा बनाते हैं तो चूल्हे में आंखें से अंधी हो जाते हैं, क्या करें, बच्चे कहाँ जाएंगे। हम तो बा मर गए, सबको धन्यवाद है, सबको बस जो दे रहा उसको ही धन्यवाद है, जो मदद कर रहे हैं उनको ही धन्यवाद है। और बात जय सिया राम, जय सिया राम। एक एक करके सारे काम होएंगे आपको, आप टेंशन मत लो। दोस्तों आइए सब बाकी लोगों से बात करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत है दोस्तों, आप देख रहे हो। नमस्ते, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं? क्या बोलोगे मैं जी जिन्होंने दिया? भैया धन्यवाद, जे तो तुमने हमारे को दिया, हमारे को आँखों की दिक्कत थी, चूल्हे पर नहीं बैठ सकते, अभी दे दिया है, धन्यवाद। दोस्तों देखिए कितने, हाँ बहन जी आप बताओ जिसने ये आपको दिया उसको क्या बोलोगे? हम तो उसका धन्यवाद करते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए ये उन्होंने सहायता करी है उसका धन्यवाद है। जो हमारे बच्चे जाते थे स्कूल तो हमारे को परेशानी होती थी, हम बुढ़े माँ जाते थे जंगल में लकड़ियाँ चुगने के लिए, आपका भी धन्यवाद, उसके जिसने दिया उसका भी धन्यवाद। आप दोस्तों देख रहे हैं, आप भैया क्या बोलोगे जिन्होंने दिया? उसको भी, आपको भी, उसको भी धन्यवाद। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, रोटी वोटी पका के हम बड़े, आपके धन्यवाद जी। दोस्तों ये गुड़िया से क्या इससे बात करते, रेशमा रेशमा क्या बोलोगे आप? धन्यवाद जिसने सिलेंडर दिया, लकड़ियां जंगल में जाते थे, सांप वगैरह थे। ये दोस्तों बड़ी शर्मिली बहन है हमारी, ये कचोरी लगाती है और ये खुद काम करती है,
इस बहन से पूछते हैं, बहन क्या बोलोगे जिसने दिया? धन्यवाद आप दोनों के, उनको भी जिसने ये दिया है हमारे को। ये हम लकड़ी लेने ले जाते थे जंगल में, आंख में धुआं आता था। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू बोल रही है। इस बहन से पूछते हैं, बहन क्या बोलोगे? धन्यवाद जिसने सिलेंडर चूल्हा दिया, उसका धन्यवाद। जो हमने जो हमारी जान छुड़वा दी जो जंगल में सी लकड़ी की। ठीक है। ये आप सांप काट रहे थे ये। आप पहले ये भी बताओ लोगों को कि हमने जैसे सबके आपको चूल्हे मिल गए आज, हमारे बारे में लोगों को बताओ हम कैसा काम कर रहे हैं आपके साथ में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उधर देख के बताओ। बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो सबको जो दे रहे हैं वो सब सही कर रहा आप। दोस्तों ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए एवरीबॉडी इज फीलिंग हैप्पी। आप बता गुड़िया तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी दवाई लेने गई। बता तेरे को तुझे पता लग रहा है क्या इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? तेरे को इससे हम लकड़ियाँ चुड़ने के लिए जंगल में जाते थे ना। हाँ। तो उधर इतने बड़े बड़े सांप होते तो उससे जान छुड़ गई। जान छुड़ गई। अब तू क्या बनाकर खाएगी इसमें? इसमें रोटी बना के खाएंगे। तेरे को रोटी बनानी आती है? मम्मी से सीखी। ठीक है। आप बहन बताओ क्या बोलोगे जिन्होंने दिया है? बस हिंदू फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी पहली बार किसी ने हमारे फाउंडेशन का नाम बताया। अब बताओ ये हमारे को सिलेंडर चूल्हे दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों बताओ हम जैसे काम कर रहे हैं आपके साथ में, आप लोगों को कोई शिकायत तो नहीं? अच्छा काम कर रहे हैं बताओ। शिकायत तो नहीं है, इतना अच्छा काम कौन करेगा। वो तो आप की हिंदू फाउंडेशन की तरफ से ये मिल गया, बस बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये संगठन इसीलिए बनाया हमने ताकि इन लोगों का बच्चा खुश हो रहा है ना। थैंक यू बोल। थैंक यू। थैंक यू बोल रहे हैं आपको जी सब लोग। आप बताओ बहन, सबको बताओ कि हम कैसा काम कर रहे हैं, पहले ये बताओ। आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई शिकायत तो नहीं है? कोई शिकायत नहीं। आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रख रहे? कोई कमी नहीं रखी है। तसल्ली से आप लोगों की सबकी धीरे धीरे सारी आपकी चीजें सुन रहे हैं ना? धीरे हाँ, सब धीरे धीरे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जान छूट गई लकड़ियाँ से। ये अभी दिवाली में कोई मीठा वीठा बनाएंगे? ठीक है। आप लोग यही बता रहे मीठा खाने को, आप खिलाओगे तो मैं खाऊंगा। हम बनाएंगे, बहुत बढ़िया बना के खिलाएंगे हम। आपका बहुत नमस्ते है। ठीक है ठीक है। आप बताओ बहन हम कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे? बढ़िया कर रहे हैं। आपको आपके आपका ध्यान कर रहे हैं हम, धीरे धीरे आपकी सारी चीजें समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं समस्या आप लोगों की। कर रहा है। और क्या बोलोगे जिन्होंने दिया, क्या बोलोगे उनको? धन्यवाद इसका। धन्यवाद मिल रहा है जी आपको। ये दर्शन है। दर्शन तू क्या बोलेगा, तुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जिसने चूल्हा गैस दिया उनको धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम। दोस्तों अभी दोस्तों बहुत टाइम बाद हरिदास की वाइफ का नंबर आया। ये हमारी ऐसी बहन है, हम जब भी यहाँ आते हैं हमारा बहुत ख्याल करती है। बहुत ही सुलझी हुई लेडी है ये, और इनसे जब भी हम इनके घर में जाते हैं हमारा फुल ख्याल करती है। सारे जो ये टेबल है ये लाना लॉजिस्टिक्स अपने बच्चों से करवाती है, हमारी बहुत हेल्प करती है यहाँ पर। और इन्होंने सबसे लास्ट में अपना चूल्हा लिया है, तो ये मुझे लगता है कि जो एक आइडल हिंदू वुमेन होनी चाहिए, आइडल हिंदू जो महिला हैं तो ये है। तो मेरा तो इनको बहुत सैल्यूट है, बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से ध्यान करती है हमारा। आप बहन आप बताओ हम आपके घर सबसे ज़्यादा आते हैं, सबको बताओ कि हम कैसा काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरे घर आते हैं और सब मुझे पता है कि क्या कर रहे हैं। और जब से यहाँ इतनी खुशियाँ लौटी हैं जो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सबकी झोलियाँ भर दी हैं, इतने सब कुछ जो भी हमारी कमियाँ थी पूरी कर रहे हैं हमारे भाई। इनके आने से तो हमें बहुत ही होली दिवाली की खुशी हो गई है। करवा चौथ तक शॉपिंग की हम लोग ने तैयारियाँ कर ली हैं, कभी रखते ही नहीं थे करवा चौथ। जंगल में जाते थे लकड़ियाँ जब लेने के लिए तो बहुत दिक्कत मुझे पड़ती थी, तो अब मेरे स्कूल के बच्चे कभी रोटी के सिवाय रह जाते थे, अब तो रोटियां भी बनेंगी। सब कुछ खुशियां हमें विजय भाई ने लौटा दी है। हमारा संगठन का नाम बताओ। ये हमारे हिंदू भाई जितने भी हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे विजय भाई से जुड़ के रहना, हमारी यही प्रार्थना है कि इतना हमारा देखभाल इतना हमारा कर रहे हैं कि हद से ज्यादा हमें हम तो इन्हें इतने चाहने लगे हैं दोनों भाइयों को
कि हमें छोड़ के मत जाना, हम आपके साथ रहेंगे यहाँ पर और आप लोगों को बिल्कुल गुड करके जाएंगे और ताकि आप लोग खुद से आगे बढ़ो और जो परिवार आए उनकी भी हम हेल्प करें, यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। तो ये बहन थी, इसको जानते हो आप, क्या नाम है तेरा? तो कहा मम्मी कहाँ तेरी? करवा चौथ के संभाल लेने। अच्छा तेरे को क्या समझ में आ रहा है ये क्या चूल्हा चूल्हे जिसने तेरे को चूल्हा दिया, थैंक यू बोलेगी उनको? थैंक यू। उधर देख के बता, थैंक यू बोल रही है आज ही आप लोगों को। आप बताओ, बताओ काजल, ये जो चूल्हा मिल रहा है उससे? काजल है, मैं पहले मतलब कि जंगल में जाते थे लकड़ी बीनने के लिए, सांप थे, इसीलिए आपने सिलेंडर हम लोगों को दे दिया। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, और बच्चे भी टाइम से जाते हैं स्कूल, लेट भी नहीं होते हैं। आपको सबसे मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। आप बताओ बहन। दोस्तों ये हमारी बहन है, इनकी एक मेडिकल कंडीशन है, इनकी आईज की प्रॉब्लम है, हम इनकी अलग से वीडियो बनाएंगे, इनकी आईज की प्रॉब्लम है। तो आप बोलो, जिन्होंने बहन जिन्होंने ये दिया आपको क्या बोलोगे? हम बोलेंगे खैर खैर मुबारक, इधर तो हमारे को सुखी ना गया, अभी क्या मतलब आधा इधर रह गया आधा मेरे पास आ गया, अभी इतना लड़का तो कमाने नहीं जाता है। इसने बोले अम्मा मैं थैला ले दी मैं कमाऊ, इसके लिए मैं बोले अब ये बोलो जिसने चूल्हा दिया उनको बोलो पहले, आप दूसरी बात छोड़ दो। चूल्हा दिया लक्ष्मी का नाम चलो। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? पापा ये काम पे गए हैं, मम्मी वो कल वर्त है ना करवा चौथ का सामान लेने के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ थैंक यू बोलना जरूरी है। तू बता गुड़िया तेरा क्या नाम है? माय नेम इज सुनीता। मेरी मम्मी मार्केट गई है और हमें ये चूल्हा मिला तो हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पे गैस सिलेंडर पे रोटी अच्छे से पक जाती है और इस पे लकड़ी पे अच्छे से नहीं हो पाती, मम्मी को बहुत दिक्कत होती है। जिसने हमको ये दिया उसका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू बोल रही लड़की ने कहा माय नेम इज सुनीता। तुम पढ़ाई करती हो? यस, 10th क्लास। पढ़ाई कर रही हो? हाँ। जब से आए हो? हाँ। शाबाश, ये है हमारी बच्ची जो आगे चलकर इस हम कुछ बनना चाहते हैं, सरकार हमारी मदद करे तो हम आगे कुछ बन जाएंगे। रुको दोस्तों, ये बच्ची है, सबसे पहले अपनी मदद खुद करनी होती है। हाँ, हम अपनी मन से पढ़ रहे हैं और सरकार हमारी मदद करेगी तो सरकार नहीं मदद करती नहीं, है बस की सुविधा होगी, खुद की मदद करनी होती है ना। हाँ। खुद मदद करनी होती है दोस्तों, तभी हम सबको समझाते हैं दोस्तों। बच्ची है ये, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हम सामने आए, हम एक दूसरे की हेल्प करें, ना कि हम सोचे सरकार मदद करेगी। सरकार जब मदद करेगी तब तो बच्ची और बड़ी हो जाएगी। आप खुद अपनी मदद करो, है ना। हम पढ़ने कुछ बनना चाहते। शाबाश, बनने के लिए कोई रोक रहा आपको? नहीं, मम्मी पापा भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई में हम भी हेल्प कर देंगे। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? पुलिस में जाना चाहते हो? शाबाश, देखो ये कितनी अच्छी बच्ची है, और खुद से बनना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना मुझे कोई मदद करेगा, कोई मदद नहीं करता दुनिया में। ठीक है, वहाँ पे भी नहीं पढ़ाई की और यहाँ पे आके हमारा भविष्य बन जाएगा। अच्छे से नंबर, अच्छे से पढ़ाई कर रही हो? अच्छे से। शाबाश, ये है बच्ची दोस्तों जो इस कम्युनिटी का फ्यूचर है। अंकल आप बताओ, आपका क्या सुना? धन्यवाद आपको कि सब जिंदगी तीन युग गए हैं लकड़ी जलाते भी, ये कल युग में तुमने सिलेंडर दे दिया, हमारे लकड़ी वगैरह का सब खत्म हो गया। भारत माता जिन्होंने दिया उनको क्या बोलोगे? जिन्होंने दिया उनको क्या बोलोगे? उनको आशीर्वाद हो, आप बड़े हो। दुआ से यही हमारी गरीबों की, आपको बोल गए। ठीक है, दुआ हमारी ये है अभी इसलिए हो जिससे मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कितनी 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 यहाँ दुआएं मिल रही है आप लोगों को, और कितने ही लोग सारे खुश हैं यहाँ पर। आई होप यू आर लाइकिंग द वर्क विच वी आर डूइंग। इफ यू आर समबडी हु हैज नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब। इफ यू आर समबडी हु हैज बीन वॉचिंग अवर वीडियोज एंड वॉचिंग अवर वर्क द वे वी डू एंड हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड इट, प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट। मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक्स अगेन फॉर ऑल द डोनर्स हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू HSF, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट वी आर एबल टू ब्रिंग दिस स्माइल, ब्रिंग दिस चेंज इन दिस पाकिस्तानी हिंदू सोसाइटी। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री राम।
उधर आ लो। बाकी हम जब सूरज मुझे नहीं दिया ना लिया चलो हट जाओ। ये क्या लेकर आया तू? जा रहे हैं हमको उठा के। सिलेंडर भी जाते लग जाओ की हिंदू समाज फाउंडेशन की जय हो।